लेजेंड्स लीग क्रिकेट का ये आखिरी मुकाबला, मतलब फाइनल से पहले आखिरी मुकाबला है, और इस मैच को आप इनकॉन्सिक्वेंशियल मान सकते हैं टूर्नामेंट के नजरिए से, क्योंकि अब एक टीम फाइनल में है और एक टीम बाहर हो चुकी है, तो इन दोनों के बीच में वैसा कोई खास इंपॉर्टेंस टूर्नामेंट के हिसाब से भले ही ना हो, लेकिन आपके आपके और आपके आप सभी के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खेलते हैं फैंटेसी पॉइंट्स के लिए। और अब इस मैच से फैंटेसी पॉइंट्स आपको कैसे मिल सकते, बहुत सिंपल है। आपको पता है एक टीम स्ट्रॉन्गर सूट है, एक टीम थोड़ा वीकर सूट में है, तो दोनों टीम के आपको प्लेयर्स की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, पूरा टूर्नामेंट के थ्रू पता चल गए, तब आपको एक आइडिया लगाना इजी रहेगा कि कौन से प्लेयर्स अच्छा कर सकते हैं, कौन से प्लेयर्स खराब कर सकते हैं। हालांकि हम सारी डिटेल्स बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन आपको खुद को एक अनुमान लग गया होगा, तो इसलिए आप कॉन्फिडेंट ज्यादा होंगे इस मैच में खासतौर से जीतने के लिए। तो अगर जीतने के लिए तैयार है, टीम बनाने के लिए तैयार है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी सुनने के लिए भी तैयार है, और पिच रिपोर्ट के लिए भी तैयार है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, शेयर कमेंट तो आप कीजिए ही, खास तौर से कमेंट करके बताइए कि क्या आपको फाइनल्स कौन जीतेगा, इंडिया कैपिटल्स या फिर यू नो अपोजिट में जो भी टीम पहुंचने वाली, क्योंकि इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम जो है पहला मैच अभी होना बाकी है, तो इसलिए आपको क्या लगता है कौन सी टीम फाइनल्स जीतेगी, फाइनल इंडिया कैपिटल्स या फिर कोई और टीम, तो इसीलिए आप कमेंट करके बताइए, जिसका भी सही जवाब होगा उसको एक हार्ट जरूर मिलेगा। चलिए आप वीडियो की तरफ डेल्व इन करते हैं फटाफट। लेजेंड्स लीग क्रिकेट का ये 12वां मैच यानी कि लीग फेस का लास्ट मैच, इंडिया कैपिटल्स बनाम मणिपाल टाइगर्स। इंडिया कैपिटल्स क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल्स के लिए और मणिपाल टाइगर्स टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, तो इन दोनों के बीच में मुकाबला है 12 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे। 7:30 बजे जो है मैच शुरू होने का टाइम है, आपके लिए क्रूशियल टाइम है 7 बजे का। 7 बजते ही जब टॉस होगा ना, कुछ एक आध अपडेट, कुछ एक आध चेंजेस आ सकते हैं। अब क्यों आएंगे वो अपडेट या चेंजेस, पहली बात इंडिया कैपिटल्स चेंजेस कर सकती हैं अपने बेंच प्लेयर को ट्राई करने के लिए, या फिर जो अपने सुपर सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको मेन 11 में जगह देके एक आध मैच खिलाने का, ऐसा उनका मानसिकता हो सकता है। दूसरी तरफ मणिपाल टाइगर्स ये सोचेगी कि अब हारने के लिए मतलब जीतने के लिए तो कुछ है नहीं, सॉरी हारने के लिए तो अब कुछ बचा नहीं है, तो अब एक आध प्लेयर्स को ट्राई कर ही दें, जिनको मौका नहीं मिला उनको मौका दे दिया जाए। तो ऐसे इन दोनों के बीच में मतलब काफी चेंजेस, काफी तो नहीं, कम से कम 2-3 चेंजेस तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और क्या चेंजेस होंगे वो एग्जैक्ट तो नहीं, एक अनुमान ही लगा सकते हैं, और वो अनुमान हम लगाएंगे, माफ कीजिएगा, अनुमान लगाने के बाद आपको क्या क्या चेंजेस मिल सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स होंगी, वो सब नोटिफिकेशन में आ जाएगा आपको। कैसे आएगा नोटिफिकेशन, ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, फैंटेसी गली का ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे टॉप पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन की, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, जो इनफ होंगे आपके इस मैच की टीम बनाने के लिए। और टीम बनाने के अलावा यहाँ पे तो हम आपको एक टीम स्मॉल लीग हेड टू हेड की और एक टीम ग्रैंड लीग की दिखाएंगे, अगर इनके अलावा आपको मल्टीपल टीम चाहिए, 5 टीमें, 10 टीमें, 15 टीमें, 20 टीमें, तो हम आपको 50-60 टीमें देंगे। जी हाँ, 50-60 टीमें। कहां पे मिलेगी वो टीमें, आपको मिलेगी हमारे वेबसाइट पे www.fantasygully.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट जाके चेक कीजिए, वहां पे मिल जाएगा आपको 50-60 टीमें, और अपडेट हो जाएगी टॉस के बाद अपने आप, तो प्लीज चेक इट आउट एज वेल। अब यहां पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, टॉप फैंटेसी पिक्स, यानी जैसे मैंने कहा मल्टीपल टीम्स अगर आप बना रहे हैं, तो मल्टीपल टीम्स बनाने के लिए आपको 3-4 ऐसे कोर प्लेयर्स चाहिए होंगे। अब कोर प्लेयर्स का मतलब, अगर मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं, अगर हर टीम में अलग अलग 11 ट्राई करना चाहेंगे तो बहुत दिक्कत, बहुत माथापच्ची होगी, उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 4 ऐसे कोर प्लेयर्स खोज के निकाले जो आप हर टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो अमूमन ऑन एन एवरेज को एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स दिलवा देते हैं, और आपको नुकसान कम से कम हो, फायदा ज्यादा से ज्यादा हो, कम कम मेहनत करके। ये सब हम ट्राई कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को सहूलियत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्लीज ये 4 पिक्स देखिए। इंडिया कैपिटल्स की तरफ से एशली नर्स, हैमिल्टन मसक कज्जा, और मणिपाल टाइगर्स की तरफ से मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह, ये आपके 4 प्लेयर्स हो गए टॉप 4 फैंटेसी प्लेयर्स इस मैच के लिए। अब इस मैच के लिए तो हमने यहाँ पे आपको 4 प्लेयर्स दिखा दिए, लेकिन क्या इन 4ों सबका काम हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो आपको चाहिए होंगे पूरे के पूरे 11 प्लेयर्स, टीम, पिच रिपोर्ट सब चाहिए, तो वीडियो को अंत तक देखिए, हम बाकी बातें करेंगे इंट्रो के बाद। नमस्कार,
नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक कुमार केडिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां पे आज हम बात करें इंडिया कैपिटल्स बनाम मणिपाल टाइगर्स के इस मैच की, जिसका इस टूर्नामेंट के ऊपर इनकॉन्सिक्वेंशियल रिजल्ट्स रहेगा। बट हाँ, इस मैच का आपको फैंटेसी पॉइंट के रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं क्या क्या है इस मैच के। सबसे पहला क्राइटेरिया है पिच एंड कंडीशंस। अब पिच एंड कंडीशंस कैसे है यहाँ पे वेन्यू, ये जो है जोधपुर स्टेडियम का बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो है यहाँ पे, इस पे T20 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले जो है नहीं खेले गए अभी तक। ODI काफी साल पहले खेला गया था, वो सचिन का आपको 146 का पारी याद होगा, जहां पे मे बी जहां तक मुझे याद आ रही है जिम्बाब्वे अगेंस्ट शायद हार गए थे अपन, तो वो एक शानदार पारी थी सचिन की। उसके बाद मेरे ख्याल से एक आध मैच हुए होंगे, तो मेरे जहन में याद नहीं आ रहा, तो मतलब काफी टाइम हो गया उसको भी। और उसके बाद ये स्टेडियम रेनोवेट हुआ, अब पहले 25,000 की कैपेसिटी थी, 40,000 की कैपेसिटी होगी, तो काफी सारे रेनोवेशन होने के बाद ये जो है एक अच्छा स्टेडियम बना है। अब इसके ऊपर ये मैच हो रहा है, पहला मैच होने वाला है दोपहर को, उसके बाद दूसरा मैच ये होगा शाम को। अब ये शाम का जो मैच है कैसा बिहेव करेगा, कैसा प्ले करेगा, उसका थोड़ा सा, हालांकि इसका कोई पास्ट डेटा, कोई पास्ट रिकॉर्ड्स है नहीं कि एक अनुमान लगा सके हम पिछला डेटा देख के, बट फिर भी एक ग्राउंड डायमेंशंस और वेदर कंडीशंस को देखते हुए कुछ हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब ग्राउंड डायमेंशंस जो है इस पिच के आपको 62 से 65 मीटर के आसपास में रहेंगे, अगर सेंटर पिच पे खेला गया मैच तो। सेंटर पिच पे खेला जाने का मतलब कि बीच के मैदान के बीचों बीच, हालांकि 5-6 पिचेस है यहाँ पे, बट बीचों बीच पे खेला गया तो वो आपको सेंटर पिच होगा, और वहां पे उसके अकॉर्डिंग ग्राउंड डायमेंशन 62 से 65 मीटर के, जो कि इनफ होते हैं एक T20 मुकाबले के लिए। और उस कंडीशन में दूसरा कंडीशन ये लगता है कि आपको जब ये जोधपुर की गर्मी में ये स्टेडियम जो है सिकेगा, मतलब गर्म होगा, तो पिच हल्का हल्का फट सकता है, और उस कंडीशन में स्पिनर्स खासतौर से पहले इनिंग्स में काफी कारगर हो सकते हैं, क्योंकि ड्यू तो आएगी नहीं, तो सेकेंड इनिंग्स में भी, हालांकि ओवरऑल थ्रू आउट द मैच जो है स्पिनर्स काफी कारगर रहेंगे, खासतौर से फर्स्ट इनिंग्स में इस मैच के, तो आप उसके अकॉर्डिंग टीम की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और वेदर देखिए यहाँ पे 31 डिग्री सेल्सियस, ये रात का टेम्परेचर है भाई साहब, उसके बाद 44% ह्यूमिडिटी है, तो ड्यू के उतने चांसेस नहीं है, प्रेसिपिटेशन भी नहीं, बारिश के भी चांसेस नहीं है, तो ये सब आप ध्यान में रखते हुए टीम फॉर्म कर सकते हैं, बैलेंस टीम फॉर्म कर सकते हैं। बैटिंग रिकॉर्ड यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि ग्राउंड डायमेंशन हालांकि 62 से 65 मीटर है, बट वो शायद टीमें जो है इंजॉय करेगी, खासतौर से बॉल अच्छे से अगर आई, क्योंकि दूसरा ही मैच खेला जाएगा, पहला मैच दोपहर में, दूसरा मैच शाम को, तो पिच फ्रेशन पिच रहेगी, तो बॉल अच्छे से बैट पे आ सकता है, वो भी एक अनुमान ही लगा सकते हैं हम, तो इस हिसाब से 170 से 190 का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच के लिए खासतौर से। अब बात करते हैं यहां पे प्लेइंग 11 की। जी हाँ, जो चेंजेस मैं कह रहा था कि कर सकते हैं, जो प्लेइंग 11 थी वो तो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, एक आध कुछ चेंजेस मैंने जैसे कहा जो सुपर सब्स्टिट्यूट यानी 12th प्लेयर जो थे इनके, वो मेन टीम में आ सकते हैं। पहले 11 देख सकते हैं, गौतम गंभीर, सोलमन मायर, हैमिल्टन मसकज्जा, रॉस टेलर, एशली नर्स, दिनेश रामदिन, लियम प्लंकेट, मिचेल जॉनसन, प्रवीण तांबे, पवन सिंह, ईश्वर पांडे, ये इनकी 11 थी जो खेली थी। अब जो सुपर सब्स्टिट्यूट थे इनके रजत भाटिया, वो रजत भाटिया मे बी मेन टीम में आ जाए, और रजत भाटिया मे बी आ सकते हैं आपके ईश्वर पांडे के जगह आ सकते हैं, फिर प्रवीण तांबे जो लास्ट मैच में खेले तो थे लेकिन ना बैटिंग किए थे ना बॉलिंग दिया गया था, तो उनके जगह भी ट्राई किया जा सकता है रजत भाटिया को, तो मे बी प्रवीण तांबे या ईश्वर पांडे, इस दोनों के जगह कुछ के जगह रजत भाटिया को जो है मेन 11 में जगह दिया जा सकता है, वो एक चेंज हो सकता है। बाकी आपको यहाँ पे एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स पिछले 10 मैच की दी हुई है T20 मुकाबलों की, ये 5 रन्स और लास्ट के 5 विकेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आपको पहला कमेंट जो है उसमें आपको लिंक में मिल जाएगा ये PDF, आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे स्टैट्स चेक कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी खुद फॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मणिपाल टाइगर्स की, तो मणिपाल टाइगर्स की 11 ये रही आपके सामने, जैसे रायर, रतनदार टाइबू, मोहम्मद कैफ, कॉरी एंडरसन, हरभजन सिंह, प्रदीप साहू, लायंस क्लूजनर, रितिंदर सोडी, क्रिस मोफू और दिलहारा फर्नांडो के साथ परविंदर अवाना, अब ये इनकी 11 है। बट इनकी 11 में जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर आते हैं मुतैया मुरलीधरन वो जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हर मैच में, पिछले 4-5 जो मैच खेले, तीन या चार मैच खेले उसमें हर मैच में एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मुरलीधरन को ड्राफ्ट इन किया जा सकता है यहाँ पे इस मिक्सअप में, तो उनको आप किसके जगह ट्राई करेंगे वो देखने वाली बात होगी, बट हाँ
एक ओवर द थॉट ओवर द प्रोसेस थॉट है कि मे बी रितेंद्र सोढ़ी की जगह ट्राई कर ले जाए मेन टीम में, वो एक माइंडसेट हो सकता है इनका, वो एक शायद यहाँ पे ट्रायल एंड एरर हो सकता है। तो ये 11 है, बाकी आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे डेटा दिए हुए हैं और प्लस आपको एक चेंज जो शायद पॉसिबल है वो मैंने बता दिया, आप इसके अकॉर्डिंग टीम बना सकते हैं। अगर अगर मान लीजिए कि ये दोनों रजत भाटिया और मुरलीधरन, इन दोनों को अगर टीम में ड्राफ्ट नहीं भी किया था प्लेइंग 11 में, तो भी आप इनको अपनी फैंटेसी 11 में ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। बस टॉस के टाइम देख लीजिए क्या यही दोनों 12th मैन है या नहीं है, बस वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, टॉस के टाइम पे ये डिटेल रिवील कर दी जाती है, तो आप वो चेकआउट कर लीजिए कि वो खेल रहे कि नहीं खेल रहे, 12th प्लेयर है कि नहीं, मतलब सुपर सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है उस मैच के लिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की। आपने टीम तो आप स्ट्रैटेजी तो आपने देख ली हमारी कैसी स्ट्रैटेजी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम बना भी लेंगे। अच्छी टीम बनाने के बाद भी आप कहेंगे कि मैं हार गया जीत नहीं पाया, वैसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि आप अगर सही टीम बनाने के बाद भी गलत कॉन्टेस्ट या गलत लीग में खेलते हैं ना, तो आपके जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप क्यों, आप इसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको सुधारने के लिए आप सही कॉन्टेस्ट और सही लीग्स में खेलिए। और वो सही लीग सही कॉन्टेस्ट कौन से हैं? सही लीग्स और सही कॉन्टेस्ट है आपके हेड टू हेड स्मॉल लीग और स्मॉल लीग। ये हेड टू हेड और स्मॉल लीग आपके जो है सही लीग्स है, क्योंकि सिंपल मैथ्स है, इनमें जीतने का परसेंटेज कितना है? 50-70%। ग्रैंड लीग में जीतने का परसेंटेज कितना है? वो है 0.001%। इसमें आपके स्टैट्स कैलकुलेशंस नंबर्स डेटा जो है काफी हद तक काम करते हैं। इसमें आपका 50-50 है, मतलब लक फैक्टर भी 50% है और डेटा और स्टैट्स आपको 50% तक ले जाएगा, तो ये मिक्सअप है। इसीलिए ग्रैंड लीग में आपका जीतने का परसेंटेज बहुत लो है। तो आप ज्यादा से ज्यादा टीमें, अगर आप 20 टीमें लगा रहे हैं तो 20 में से आप 17-18 टीमें इसमें लगाइए और 2-3 टीम इसमें ट्राई कर सकते हैं। ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। बाकी जो कॉन्टेस्ट आपको सुटेबल लगता है वो आप ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके अलावा भी जितना आपका बजट है, जितनी आपकी रिस्क एपेटाइट है, उसके अकॉर्डिंग खेलिए। ज्यादा रिस्क मत लीजिए, आप फैंटेसी को गेमिंग की तरह खेलिए, सट्टे की तरह, या फिर आप फैंटेसी को यू नो लत की तरह मत लगाइए ताकि आपका नुकसान ना हो। बाकी आप इस मैच के लिए जब टीम बनाएंगे उसके लिए ऑलरेडी ऑल द बेस्ट। अब चलिए हम अपनी टीम दिखाते कि हमने टीम कैसी बनाई है, खास तौर से स्मॉल लीग हेड टू हेड की। उसके लिए पहले आप अगर एक्सप्लेन करो उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया अभी तक तो, नहीं पसंद आया तो क्या पसंद नहीं आया वो कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाल बटन जो है ना उसको दबा के सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आर फैंटेसी 11 में स्मॉल लीग हेड टू हेड में विकेट कीपर होता था ताइबू, बैटर्स है मोहम्मद कैफ, सोलमन माया, हैमिल्टन मसक, कज्जा और रॉस टेलर, ये चार बैटर्स हो गए। ऑलराउंडर्स में एशली नर्स, कोरी एंडरसन, जैसे राइडर, ये आपके तीन ऑलराउंडर्स। बॉलर्स में हरभजन सिंह, प्रवीण तांबे और लैम प्लंकेट, ये आपके तीन हो गए। अब यहाँ पे एक फैक्टर ये कि प्रवीण तांबे पिछले मैच में खेले थे लेकिन वो ना बैटिंग के थे ना बॉलिंग के थे, उनको कुछ नहीं दिया गया था। तो आपके अगर थॉट प्रोसेस में ये क्या क्या इस मैच में वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तब आप सुपर सब्स्टिट्यूट 12th मैन जो है आप उनको ट्राई कर सकते हैं, वरना उनके जगह कोई और प्लेयर, कोई और बॉलर को आप चाहें तो उस कंडीशन में ट्राई कर सकते हैं। बट हमारा एक ओवर द थॉट ये कि पिछले मैच में शायद उनको रेस्ट दिया गया हो, उनकी एज फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मे बी एक मैच रेस्ट दिया गया हो, क्योंकि उससे पहले काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे थे उनके, तो मे बी एक मैच के लिए उनको शायद बिठाया गया हो। बाकी आप इस मैच में वापस से आ सकते हैं क्योंकि फाइनल से पहले थोड़ा सा यू नो थोड़ा वो चार्जेस मिल जाएंगे उसको। तो ये हो गई आपकी 11 स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए। अब इसमें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कौन से है? मोहम्मद कैफ, हैमिल्टन मसकज्जा, एशली नर्स और जेसी राइडर, ये चार जो है आपके कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स हैं आपको स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए, एक ग्रैंड लीग के लिए नहीं, स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए आपके चार ऑप्शन मोहम्मद कैफ, हैमिल्टन मसकज्जा, एशली नर्स और जेसी राइडर, ये चारों आप ट्राई कर सकते हैं। और आप एकदम एग्जैक्ट सेम टीम में बनाइए, एक आध कुछ चेंजेस कर लीजिए अपनी गट फीलिंग अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, बाकी हमें बताइए कि आपने क्या चेंजेस किए थे जरूर। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की। जी हाँ, ग्रैंड लीग जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, भले ही हम कितना भी कह दें बट आप इंतजार इसी का करते हैं। तो ये आपके ग्रैंड लीग की टीम जो है यहाँ पे हमने बनाने की कोशिश की है। इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं क्योंकि ज्यादा कुछ चेंजेस के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हमारे पास। जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो प्लेयर्स बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किए उनको तो हम टीम में बहुत हाई रिस्क हाई
मतलब बहुत हाई रिस्क हो जाएगा वो, उतना हाई रिस्क नहीं लिया हमने, हमने मीडियम रिस्क का जो है ग्रैंड लीग टीम बनाने की कोशिश की कि थोड़ा सा बैलेंस्ड भी रहे, थोड़ा रिस्की भी रहे। तो वैसे टीम का विकेट कीपर में तदन रहता है वो मोहम्मद कैफ, सलमान मायर, हैमिल्टन मस्कत, रॉसनर, यहां तक तो सब सिमिलर ही है। यहां पे चेंज, यहां पे प्रदीप साहू आपके एक प्लेयर आ सकते हैं क्योंकि स्पिन को थोड़ा अच्छा खेलते हैं और इस पिच पे शायद स्पिन आपको देखने को मिल सकता है, तो उसी कंडीशन में आपको प्रदीप साहू एक अच्छे प्लेयर उभर के आ सकते हैं। बाकी एशली नट्स और जेसी राइडर तो है ही, साथ में बॉलर्स में हरभजन सिंह। अब यहां पे मिचेल जॉनसन और लियम प्लंकेट, आप बोलेंगे दो फास्ट बॉलर को क्यों ट्राई किया, क्योंकि पिच मैंने जैसे कहा कि भले मतलब स्पिनर्स को मदद कर सकते लेकिन पिच नहीं होगी, जोधपुर में ये दूसरा ही मैच खेला जाएगा तो पिच पे अच्छी बॉल जो स्किड करके भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि पिच पे हल्की खास छोड़ी जाएगी नहीं छोड़ी जाएगी। अगर आप टॉस के टाइम पे मैच रिपोर्ट या पिच रिपोर्ट देख रहे हैं, अगर वहां पे आपको दिखा गया कि हल्की सी पिच की पिच में घास की लेयरिंग छोड़ी गई है तो आप इन दोनों को ट्राई कीजिए, वरना आपको जैसे मैंने कहा आप स्पिनर्स को ट्राई कर लीजिएगा। ये आपके लिए एक टिप है, फैंटेसी टिप और स्ट्रेटेजी, थोड़ा बहुत आपको भी काम करना पड़ेगा, आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी, आपको भी अपना कल ऑन करना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आप सीखें, यहाँ पे मैं आऊं आप सुन लें और बस चले जाएं, ऐसा नहीं। हम दोनों साथ में सीखते हैं, साथ में लर्न करेंगे, साथ में इस चीज को सीखेंगे और इवॉल्व करेंगे ताकि बेहतर से बेहतर फैंटेसी गेमिंग प्लेयर्स हम बनते जाएं। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते जाने से पहले कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स मोहम्मद कैफ सेम रहेंगे और एशली नट्स, मोहम्मद कैफ और एशली नट्स सेम रहेंगे। चेंजेस से सोलोमन मायर और हरभजन सिंह, ये आपके चार ऑप्शन हो गए ग्रैंड लीग के लिए। वापस रिपीट करता हूं, मोहम्मद कैफ, सोलोमन मायर, एशली नट्स और हरभजन सिंह, ये चार ऑप्शन ग्रैंड लीग के लिए आप ट्राई कीजिए। होपफुली इस मैच के लिए टीम बनाएंगे तो बहुत विनिंग्स होंगी आपकी। और अब चलते हैं हम यहाँ पे अपने प्रमोशन की तरफ, थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है मेरे दोस्त। फैंटेसी गली का वेबसाइट है www.fantasygully.com, इसको चेकआउट करना मत भूलिए। साथ में हमारा ऐप भी है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों को चेकआउट करना मत भूलिए। आपकी जिंदगी जो है ना आसान हो जाएगी थोड़ी, फैंटेसी गेमिंग के नजरिए से खासतौर से जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। आपको नोटिफिकेशन, टाइम टू टाइम अपडेट, सारे मैचेस के कवरेज, 50-60 टीमें, सब एक ही जगह मिल जाएगा। तो फैंटेसी गली को चेकआउट करना मत भूलिएगा और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें फॉलो कर लीजिए, खासतौर से टेलीग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दिया हुआ, उसको आप चेकआउट कीजिए। वहां पे हम डेली अपडेट्स डालते हैं आपके सहूलियत के लिए, बहुत सारे अपडेट्स डालते हैं, आपको बहुत फायदा होगा, तो प्लीज चेकआउट करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे अलविदा लेता हूं, लेकिन जाने से पहले वापस रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर पसंद आया और अगर आप देख रहे हैं तो एक बार लाइक कर दो यार मेरे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम 12,000 सब्सक्राइबर्स की और अग्रसर हो चुके हैं, आपसे बस रिक्वेस्ट है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए मैं अलविदा कहता हूं, टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट।